नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता विजयवर्गीय, अंक ज्योतिष वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोमित्रम से आज आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जन्मांक 8 और उनसे जुड़े कैरियर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका जन्मांक 8 आता है। और अगर इस अंक वालों का जन्म 21 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो और भी ज़्यादा 8 अंक का प्रभाव इनके जीवन में देखा जाता है। इस अंक के अधिष्ठाता देवता शनि हैं। ऐसे लोग बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं। देखा गया है कि ऐसे लोग या तो बहुत अधिक बोलने वाले होते हैं या बहुत चुप रहने वाले होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। इन्हें फिजूल की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जो बोलेंगे वो न्याय और तर्कसंगत बोलते हैं। इन लोगों का स्वभाव हम कह सकते हैं नारियल के समान होता है। बाहर से बहुत कठोर लेकिन अंदर से उतने ही कोमल और सौम्य होते हैं। इन लोगों के लिए अगर हम बात करें कौन से कैरियर अच्छे हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें कहते हैं, चूँकि शनि न्याय का देवता है तो हम बोलते हैं ऐसे लोगों को जज बनना चाहिए। ऐसे लोग बहुत अच्छे जज होते हैं, बहुत अच्छे वकील होते हैं, स्वयं का व्यवसाय करना पसंद करते हैं। तो इसे इन्हें मशीनरी से रिलेटेड, तिलहन से रिलेटेड काम करना चाहिए। ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। पर ये लोग न्यायप्रिय होते हैं तो इन लोगों के लिए मैनेजमेंट का काम भी बहुत अच्छा होता है। और जो बच्चे 8 नंबर के हैं उन्हें MBA के लिए लाइन चूज करनी चाहिए, आगे जाके MBA में जाना चाहिए। ऐसे लोगों को मशीन से जुड़ा कार्य, जमीन से जुड़ा कार्य भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इन्हें खनिज से जुड़ा व्यवसाय करना चाहिए या उन कंपनियों में जॉब करना चाहिए। ये बहुत अच्छे लीडर होते हैं, बहुत धर्म कार्य के कार्य में आगे आते हैं। इन्हें अध्यात्म में भी अगर रुचि हो तो ये बहुत गहराई तक जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे डिटेक्टिव भी होते हैं। पर इन्हें अब क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इनसे दूर रहना चाहिए। और एक और चीज़ की सलाह इन्हें दी जाती है कि इन्हें हमेशा वाहन धीमी गति से चलाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका जन्मांक भी 8 है तो अपने विषयों पर इस बार फिर इस तरह से विचार करें। धन्यवाद। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।